हाँ तो दोस्तों, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ दूसरी वीडियो में। गिनी फॉल का जो मैंने अभी आपको इनक्यूबेटर दिखाया, ये एक छोटा इनक्यूबेटर जो मैंने सिर्फ 2500 रुपये में ख़रीदा है। इसके अंदर एक टाइम में 38 अंडे आ जाते हैं, और गिनी फॉल के अंडों के लिए भी वही टेम्परेचर चाहिए होता है जो मुर्गी के लिए चाहिए होता है। तो अभी फरवरी का महीना है, अभी तो ये अंडे नहीं दे रही हैं, लेकिन मुर्गियाँ मेरी अंडे दे रही हैं। मेरे पास और भी मुर्गियाँ हैं नीचे, तो उनके अंडे मैंने आपको दिखाया कि मैंने इनक्यूबेटर में रखे हुए हैं। गिनी फॉल एक अच्छा परिंदा है, आप रखें इसको, ये एक प्रॉफिटेबल परिंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिंदे में कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत सख्त जान होता है, आराम से रह लेता है, और धूप इसको बहुत पसंद होती है, ये धूप में आराम से सर्वाइव करता है। गर्मी अगर आपके पास छत पे है कोई मसला नहीं है, मुर्गियाँ फिर बीमार हो जाएंगी, कभी नज़ला हो जाएगा, कभी आंखों से पानी बहने लगेगा, लेकिन ये एक ऐसा परिंदा है जिसको कोई इशू नहीं होता, बहुत ये सख्त जान चीज़ होती है। और अगर आपको कोई सवाल है गिनी फॉल के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और ये अभी 25 दिन में अंडे देना स्टार्ट कर देते तो मैं आपको इनके भी अंडे रख के इनक्यूबेटर में और आगे वीडियो में मैं आपको देखें। ये मैंने एक पिंजरा और बनाया हुआ है जो इनके बच्चों के लिए मैंने तैयार किया है। अभी इसमें जो मुर्गी के बच्चे और गिनी फॉल के जो बच्चे आगे निकलेंगे वो मैं इसमें रख के बड़े करूँगा। और भी मेरे पास छोटे मोटे पिंजरे हैं, और ये मेरे पास एक छत की एक बड़ी लोकेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें मेरा पूरा इरादा है अभी यहाँ पर पूरे पिंजरे बना के मैं गिनी फॉल की तीनों कलर में अलग अलग पार्टीशन करके यहाँ पे एक फार्मिंग स्टार्ट करूँगा। किसी को बच्चे वगैरह चाहिए हो तो भी मुझसे रابطہ कर सकता है। मैं अभी नंबर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं अभी सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास हो जाएगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर वगैरह डाल दूंगा, आप लोग उससे रابطہ कीजिएगा इंशाल्लाह। जो बच्चे होंगे मार्केट रेट से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कम में ही दिया करूँगा, ठीक है। और जो भी इस मुर्गी के बारे में सवालात वगैरह हों तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। देखिए ये मेरी फ़ीमेल है जो मैंने 5 मंथ की ली थी, अब ये मेरे पास 7 मंथ तक हो गई है, अगले महीने तक ये 8 मंथ तक होकर इंशाल्लाह अंडे स्टार्ट कर देगी। मैंने पहले भी ये बहुत रखी हैं, बहुत पाली हैं, बहुत इनके बच्चे निकलवाए हैं, लेकिन अब मेरा इरादा है कि शौक का शौक, और कुछ जब शौक है तो फिर उससे कुछ कमाया भी जाए। ये मेरा मेल है जो वाइट के साथ क्रॉस हुआ होगा, और ये मुर्गी को भी क्रॉस कर देता है, उसके साथ भी मैटिंग कर देता है। आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं तो आपको हाइब्रिड ब्रीडिंग भी इसकी देखने को मिल सकती है कि जब ये मुर्गी के साथ मैटिंग कर देता है तो बच्चे किस तरह के पैदा होते हैं। मैंने वैसे भी बच्चे पैदा करवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा जाकर। और भी कोई सवाल वगैरह हो भाइयों तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो मेरा तजर्बा है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और बस यही है कि 4 महीने सर्दियों में ये अपने जिस्म में बेइंतहा चर्बी बनाती है, उस चर्बी की ही मदद से फिर ये 8 महीने अच्छे से रोज़ डेली बेसिस पे एक अंडा दे के ये अपने आप को जो है वो जान ताकत अपने जिस्म में रख पाती है। अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ने इसको एक इस तरीके से बनाया है। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप कोई भी सवाल हो तो मुझसे कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।